मस्ट वी ओपन दिस बॉक्स इन फ्रंट ऑफ सबसे पहले हमको बनानी है हेल्पिंग वर्ब किसी भी का हमको हेल्पिंग बनानी है सबसे पहले हमने क्या करनी है मस्ट को मस्ट कॉपी करने का ठीक है उसके बाद भी कौन सी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बी बी मस्ट बी सारी फॉर्म बी से बनती है क्या करती है बी मस्ट की मिल गई अभी ये क्या मस्ट उसके बाद देख रहे हैं ऑब्जेक्ट तो सबसे पहले हमको एक चीज याद रखनी है कि कभी भी किसी भी प्रेपोजिशन और कंजक्शन के बाद ऑब्जेक्ट होता ही नहीं ठीक है अभी हमको ये याद रखना है कि एक प्रेपोजिशन को छोड़कर वो प्रेपोजिशन होती है टू टू के बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है हाँ अगर लिविंग बींग्स दिया गया है सजीव दिया गया है तो होगा वरना नहीं होगा है हमको ये देखना है मस्ट वर्ब के तुरंत बगल में होता है माना ऑब्जेक्ट तो रखा हमने दिस बॉक्स मस्ट दिस बॉक्स अभी हमारा बी बचा हुआ है बी बचा हुआ है तो हमें ये ध्यान देना है कि जो भी हमारा हमने बताया बी बीन और बीन सब नॉट के बाद आएगा नॉट नहीं होगा तो सब्जेक्ट के बाद आएगा क्लियर है नॉट नहीं होगा तो सब्जेक्ट के बाद तो अभी मस्ट दिस बॉक्स ये हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट तो इस सब्जेक्ट के बाद हमारा बी आ जाएगा क्योंकि नॉट तो दिया नहीं गया इसमें मस्ट दिस बॉक्स उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है हम चाहें तो क्या by us को पहले कर सकते हैं in front of him को बाद में ठीक है तो लिखा है next sentence लिखते हैं हमने अभी तक जो helping verb लेते हुए आए उन्हीं में से कोई helping verb लेते हैं कोई भी tense हो उसकी helping verb लेते हैं जैसे लिए हमने आपका देखें, have they completed their homework in home? सबसे पहले देखा हमने in मिल गई preposition. हमने पहले कहा preposition और conjunction के बाद object नहीं होता है, सिर्फ preposition to को छोड़कर. अगर उसके बाद living being यानी सजीव कुछ दिया गया तो हो सकता है. Clear? खैर, अभी इसके नाते helping verb. हमको हमें पहले कहा हमें helping verb याद करने की कोई जरूरत नहीं है. हम helping verb सब बनाते हैं, सब नकल करते हैं यहाँ से. Have नकल कर लिया. हो गया वर्ब की कौन सी फॉर्म है बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बी बी हैव बी अब अगर हैव बीन है तो हैज बीन भी होगा कितना आया हैव बीन तो हैज बीन होगा देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है पहले देखते हैं तो ऑब्जेक्ट डियर होमवर्क होमवर्क तो एक ही है ना अगर डियर होमवर्क होता तो हैज हैव आ जाता अभी क्या आएगा हैव हैज उसके बाद डियर होमवर्क पूरा ऑप्शन है मेरा डियर होमवर्क को लिखकर हमने पहले कहा बी छूट गया है क्या कहा था बी बीन और बीइंग सब नॉट के बाद नॉट नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद ताकि नॉट है अब आएगा सब्जेक्ट के बाद क्या बी को लिखकर डियर होमवर्क हैज डियर होमवर्क बी क्लियर हो गया उसके बाद देखो उसका हेल्पिंग वर्ब मेरी हेल्पिंग वर्ब उसका सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट आई बी बाकी तो लगा दिया उसका उसकी बाद हमारी पैसिव मतलब क्या होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड उसके बाद इन हो और बाय देगा क्या होता है आपसे दे दे रहे एक और देखते हैं ये सर बी लगा इसकी थर्ड फॉर्म ही है कंप्लीटेड